जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे भाई हो जो हमारा सब्सक्राइबर है, बहुत सारे कमेंट किए हैं। हाल ही में जो 200 कमेंट आया है उसमें हम सिर्फ सेंसिटिव टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं भाई लोग का कमेंट का रिप्लाई देंगे आज। तो आइए उस कमेंट के बारे में देखते हैं और पढ़ते हैं और आपको रिप्लाई देते हैं। सविता जी ने क्या कमेंट किया है, भाई मुझे आपसे बहुत कुछ चीज जानना है भाई। जैसे मैं गुटखा खाता हूँ, तो गुटखा खाने से क्या होगा ना, गुटखा खाने से कभी भी आप आर्मी जो है, आर्मी एक बहुत एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो नौकरी है, इसमें आप टोटल भर्ती नहीं हो सकते। जब मेडिकल टेस्ट आप आएगा तो मेडिकल टेस्ट में आपको डायरेक्ट निकाल दिया जाएगा। आप एक रेप्यूटेड जब करना चाहते हैं, जो कि आर्मी जो की नौकरी है, आर्मी की नौकरी जो कि बहुत देश का एक बहुत बड़ा नौकरी है, इस नशे से आपको क्या मिलेगा भाई? भाई इस नशे से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर नशा करना है तो अपने सपने का करो, जो कि पाने से बहुत कुछ हो सकता है। अपना फ्यूचर ब्राइट होगा, अपने माँ बाप का फ्यूचर आप बहुत खुशी देखेंगे उनके चेहरे पर, तो उस नशा करो। तो अभी दूसरा कमेंट जो है प्रीतम कुमार ने किया है, 4 किलोमीटर बाद पेट दर्द करने लगता है, इसके लिए क्या कर बताएं? जो एक भाई है हमारा है प्रीतम भाई, जो ही हमको कमेंट किया है कि हमारा 4 किलोमीटर जो 5 किलोमीटर दौड़ते हैं उसमें क्या हमारा पेट दर्द होता है। ये क्यों होता है ना, ये इसका पीछे एक ही कारण है, जो कि पानी का कमी होने से। पानी का कमी होने से आपको क्या होगा ना, आपका जो दौड़ते वक्त आपका 1 और 2 किलोमीटर के अंदर ही पेट दुखना शुरू होगा। तो आप क्या करें ना, जो भी कॉम्पिटेटिव के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भर्ती करने निकल रहा है, वो जो कि आपके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेली से डेली 5 से 6 लीटर आपको डेली पानी पीना पड़ेगा। पानी पीने से क्या होगा ना, आपका बॉडी जो कि हाइड्रेट रहेगी, और जो क्या होगा ना, आपका जो छोटा मोटा क्रैम्प आ रहा है, जो कि पेट दर्द समस्या, जो भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, ये सब का क्या होगा, पूरा गायब हो जाएगा। तो हमारा अगला कमेंट जो है अकरम जी ने कहा है, बहुत ही सेंसिटिव है, तो भाई ने कमेंट किया है मेरे को सुसाइड करने का मन कर रहा है, HSSC गुड GD रनिंग का रनिंग नहीं हो पा रहा है, 4 मंथ से ट्राई कर रहे हैं, ऑलवेज साइन पेन होता है, हो जा रहा है भाई 4 मंथ से। मतलब ये जो सुसाइड करने वाला चीज है, ये पूरा बेकार का चीज है। जो सुसाइड वाला जो कमेंट आया है, ये कमेंट पूरा मेरा दिमाग से बाहर है, और मेरा ना समझ पा रहा है, दिमाग कोई भी समझ नहीं आ रहा है, ये सुसाइड क्या है। आप 4 महीने से डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आपका जो दौड़ने का जो तरीका स्टैमिना वो सब कुछ भी नहीं हो रहा है। आप क्या दौड़ रहे 4 महीने से? हम क्या करते हैं ना, हम पहले से 1 महीने में जो आए थे, पहले 1 महीने से पहले हमारा दौड़ने का 5 किलोमीटर लगता था 35 मिनट्स, लेकिन 1 महीने के बाद हमारा रेगुलर स्टैमिना कंसिस्टेंसी जब आने के बाद क्या हुआ, हमारा जो 5 किलोमीटर का और 21 मिनट हम खत्म कर दिए। हम जब कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो आप डेली इसको कर कीजिए। ये जो कमेंट है, ये जो पूरा कमेंट है, पूरा बेकार की कमेंट है। आपका सुसाइड वाला जो चीज़ है, ये दिमाग से निकाल दीजिए, इसको पहले डिलीट करो, ये पूरा बेकार की कमेंट है। हमारा नेक्स्ट कमेंट जो है अभिषेक जी का है, तो भाई ने कमेंट किया है, भाई मैंने भी 2 दिन से स्टार्ट किया है, मैंने आज 35 मिनट में 3.82 किलोमीटर किया है, क्या मेरा टाइम 22-23 मिनट में आ जाएगा? तो जो हमारा अभिषेक भाई ने जो हमको मैसेज किया है, जो कि दो दिन से पहले जो कि 3.82 किलोमीटर जो कि 35 मिनट में दौड़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो 22.3 मिनट में हो जाएगा, नहीं तो क्यों नहीं होगा, ये जरूर होगा। क्योंकि हिंदुस्तान का जो लाखों नौकरी निकल रहा है, इसको कौन ले रहा है? हमारी जो बच्चे लोग, हमारे इंडिया का जो बच्चे लोग, वही ले रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते। तो भाई आज कुछ काम आ गया है, सडन कुछ काम आ गया है, हम क्या किया है ना, आज 4-5 कमेंट आपका रिप्लाई दे दिए, फिर बाद में बहुत सारे कमेंट है जिसका रिप्लाई भी हम बाद में देंगे, लेकिन क्या होगा ना, आज बहुत सारे काम आ गए हमारा, जल्दी सडन काम आ गया। फिर क्या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस ब्लॉग में क्या करेंगे ना, हम उस कमेंट जो पर्टिकुलर कमेंट हम रखे हैं उसका रिप्लाई जरूर देंगे, उस भाई लोग की भी हम सलाह देंगे, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।